कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कल के बयान को हार की हताशा बताते हुए कि वर्तमान सरकार अपने हिसाब से कार्य कर रही है और इसी के चलते प्रदेश में लगभग 900 संस्थान डिनोटिफाई किए गए हैं जो बिना किसी मापदंड के और चुनावों को देखते हुए खोले गए थे। हर्षवर्धन चौहान आज नाहन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे। चौहान ने कहा कि पिछले 6 महीनों में धड़ाधड़ बिजली विभाग सहित अनेक संस्थान खोले गए जहां ना स्टाफ की व्यवस्था थी और ना ही कोई मापदंड। इस समय पिछली सरकार का कर्ज ही बहुत हो चुका है, बिजली विभाग भी घाटे में चल रहा है, सरकार सभी पहलुओं पर मंथन कर रही है। हर्ष चौहान ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हार की हताशा में ऐसे बयान दे रही है और सरकार ने वही संस्थान डिनोटिफाई किए हैं जो बिना किसी मापदंड के खोले गए थे। उन्होंने कहा कि जनहित में कई संस्थान सरकार दोबारा भी खोल सकती है। नाहन से संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज हिमाचल। शिव जी का बोलना स्वाभाविक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ भी हो रही है क्योंकि ये जो दफ्तर खोले गए थे वो राजनीति के आधार पर खोले गए थे, वोट ऐंठने के मकसद से खोले गए थे और इन दफ्तरों को खोलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। चुनाव हो गए हैं, नई सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल में कांग्रेस की बनी है, ये तो प्रदेश को कैसे चलाना है, कितना कैसे करना है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का काम है। अब जाते हुए दफ्तर खोल गए, लास्ट के 6 महीनों में कोई लगभग 900 के करीब दफ्तर खोले गए हैं जिसमें DSP ऑफिस है, IPH के सर्कल्स हैं, PWD डिविजन्स है, सब डिविजन है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में के 32 ऑफिसेस खोले हैं, सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन। आप हैरान होंगे कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 सालों में केवल 6 दफ्तर खोले गए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 6 ऑफिसेस खोले गए थे और पिछले 6 महीने में 32 खोले गए थे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो इस वक्त जो है 1858 करोड़ रुपए के लॉस में है। आज सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, सरकारी खजाना पूर्व की सरकार खाली कर गई है। आज हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये दफ्तर बंद हुए इनको चलाने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए सालाने पैसे की जरूरत है। तो और इससे एक और बात ये हुई है कि नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, पुराने दफ्तरों से पुराने इंस्टीट्यूशन से उठा करके नए इंस्टीट्यूशन और दफ्तर को चलाने के लिए स्टाफ 1 आदमी 2 आदमी डाल दिया गया। उससे ये हो गया कि जो पुराने ऑफिसेज हैं वो भी नहीं चल पा रहे हैं, नए भी नहीं चल पा रहे। तो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक नीतिगत फैसला करके किया है कि पिछले 6 महीने में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पैरामीटर पे नहीं थे, पैमाने पे नहीं थे, फाइनेंशियल सेंक्शन नहीं थी, बजट प्रोविजन नहीं था, एम्प्लॉयज़ का प्रावधान नहीं था, उनको कैंसिल किया गया और जो जनहित में ऑफिसेज या इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशन होंगे उनको दोबारा भी सरकार जो है वो खोले। Vika's biggest sale of the year is now live. Up to 70% off on everything. Visit now. Patel Chowk, Pathankot.